हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम जा रहे हैं होम सेंटर्स। गाइस, होम सेंटर के जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको ये कैनवस पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, जिस ये बहुत ही ट्रेंड में है। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये 999 की थी, ये 3 पीसेज ऑफ डिफरेंट साइज, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ये इंक्लूड कर रहे हैं आजकल अपने इंटीरियर में, और इसी के बिसाइड ये डेकोरेटिव आइटम्स थे। एंड इसका प्राइस था 999699। एंड ये देख सकते हैं म्यूज़िक सिंबल बहुत ही अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा यूनिक लगा मुझे। एंड इनका थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस था, लाइक अबव 1000 रुपीज़ था, 1499। सो और कटलरी की बात करूँ तो ये है वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन इन कटलरी, हैप्पीनेस कलेक्शन था। देख सकते हैं कितना कलरफुल कलेक्शन है ये, एंड इस पे मोटिवेशनल कोट्स हैं, फंकी कोट्स हैं इन सभी पे। सो इसका प्राइस मैंने कवर कर दिया, आप देख सकते हो 699999 जो इनका जनरल रेंज होता है। बट ये कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कलरफुल था, अट्रैक्टिव था, फंकी था। सो गाइज़, अगर आपको भी कलर्स में रहना पसंद है तो आप इस कलेक्शन के लिए जा सकते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन था, वन ऑफ द फेवरेट कलेक्शन था ये मेरा। सो या गाइज़, इन कलर्स को आप देख सकते हैं कितने अपीलिंग एंड प्लीजिंग है ये। सो अगर आपको अपनी बोरिंग लाइफ पसंद नहीं है, कुछ फंकी करना है, तो आप इस कलेक्शन के लिए जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी टेबल ट्रे भी है साथ में, सो हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। एंड दिस इज़ अनदर कलेक्शन जिसका नाम था अर्बेनिक शीक कलेक्शन। एंड ये जो प्लेटर्स आप देख रहे हैं व्हाइट एंड ब्लैक कलर में, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। सो या गाइस, दिस इज अनदर कलेक्शन, क्वाइट नेचर कलेक्शन, नेचर से अटैच है, तो ये वाइट कलर में है। मुझे पर्सनली वाइट कलर थोड़ा सा बोरिंग लगता है इन सब चीज़ों में। सो मैंने जैसा बताया, मुझे हैप्पीनेस कलेक्शन बहुत पसंद आया। सो अगर आपको नेचर पसंद है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। एंड दिस इज अनदर कलेक्शन जो कि फुल्ली समर वाइब्स दे रहा था, एंड इसका नाम ही स्प्रिंग फ्लावर कलेक्शन था। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत फ्लावर्स लग रहे हैं, ये फ्लावर की प्रिंट बहुत अच्छी लग रही है। और इसी तरीके से एक और कलेक्शन था जिसका नाम था मोक्ष फ्रीडम कलेक्शन, ये लगभग सेम लग रहे थे, दोनों ही फ्लावर प्रिंट थी। सो आप देख सकते हो मैंने सारे रेट्स इसमें इंक्लूड कर दी हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो गाइस, अब चलते हैं फर्नीचर कलेक्शन में, ये है डाइनिंग कलेक्शन। सो ये डाइनिंग है, इसमें भी मैंने प्राइस मेंशन कर दिया, इस टेबल का ही प्राइस था 44,999। एंड अगर आप चाहें तो आप अपने जो डिज़ाइन आपको चाहिए वो आप ऑनलाइन सर्च करके पर्सनली बनवा भी सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ अनदर कलेक्शन ब्लैक एंड वाइट में। कुछ लोगों को ब्लैक कलर बहुत ही पसंद आता है, लाइक उनको कपड़ों में एंड बेड शीट्स में, इवन कटलरी में उनको ब्लैक कलर ही चाहिए होता है। सो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है ये। पॉलका एंट्री है, पॉलका डॉट कलेक्शन है ये। मैंने सारे रेट्स यहाँ भी कवर कर दिए, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। एंड पर्सनली ये बहुत ही क्लासी, थोड़ा यूनिक कलेक्शन मुझे लगा। सो या गाइज, ये ब्लैक स्ट्रिप्स, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। एंड दिस इज़ मैट कलेक्शन, सिंगल कलर है इसमें, मैट में कलर है ये। सो आपको कोई जो कलर पसंद है वो आप ले सकते हो। ये मैट कलेक्शन भी मुझे न्यू कलेक्शन था, आई थिंक इससे पहले मैंने ये मैट कलेक्शन नहीं देखा है। और अगर आपने इससे पहले भी मैट कलेक्शन होम सेंटर में देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो ये भी मुझे पसंद आया, साथ ही साथ ये शाइनिंग कलेक्शन था, इसमें भी सिंगल कलर ही थे, तो जो आपका फेवरेट कलर है वो आप ले सकते हो इसमें। सो गाइज, जैसा मैं फर्नीचर कलेक्शन की बात कर रही थी, ये सिंगल सीटर सोफ़ा जो है इसका प्राइस था 19,000 समथिंग। एंड मैंने पर्सनली जहाँ शॉप से पूछा था कि ये ही डिज़ाइन आप बना के देंगे तो कितना लगेगा, तो उन्होंने बताया था 14,999। सो लगभग सेम ही प्राइस था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। एंड
दिस इज़ बार टेबल, बार यूनिट। सो या गाइज, ये कलेक्शन भी अच्छा था। अगर आपको अपने घर में ये रखने का शौक है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। इसका प्राइस था 14,000 rupees। साथ ही साथ ये पिलोज डिफरेंट रेंज के, डिफरेंट कंफर्ट के ये पिलोज थे। मैंने भी इसमें से पिलोज लिए हैं, उसका रिव्यू मैं दूसरे वीडियो में आपको दूंगी। साथ ही साथ ये फंकी कुशंस भी थे। ये डिज़ाइन तो आपने पहले भी देखी होगी। इस डिज़ाइन का प्राइस था 999। एंड बेडशीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे स्पेसेस ब्रांड की बेडशीट्स थी जिनका प्राइस था 5000। एंड इस पे ऑफ चल रहा था, अप टू 50% ऑफ चल रहा था। तो आफ्टर डिस्काउंट उन्होंने बताया कि 2300 समथिंग की आपको ये बेडशीट पड़ेगी। डिज़ाइंस काफ़ी अच्छी थी, इस ब्रांड की डिज़ाइंस काफ़ी अच्छी होती हैं। मैं अपनी बेडशीट्स भी अनदर वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। एंड इसके बाद मैंने कुछ आइटम्स देखे जो कि मैंने बंजारा मार्केट में भी देखे हैं, तो उनके प्राइजेस आपको पता हैं। और यहाँ भी मैंने सारे प्राइजेस कवर करने की कोशिश की है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं अपने आप। और जिन्हें नहीं पता है बंजारा मार्केट के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि वो गुड़गांव में एक वन ऑफ द फेमस मार्केट है। सो गाइज, जिन्होंने ये पहली वीडियोज़ भी देखी होगी तो आपको पता है होम सेंटर के काफ़ी आइटम्स आपको बंजारा मार्केट में भी देखने को मिल जाते हैं। सो या गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फेवरेट आइटम्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी आप बता सकते हैं, तो वो मार्केट में आपके लिए ज़रूर कवर करूँगी। सो गाइज, ये डेकोरेटिव आइटम्स भी काफ़ी अच्छे थे, बट इनका जो प्राइस था वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा था। इनका प्राइस लाइक 2000 के रेंज में था। साथ ही साथ इन ये लैम्प्स जो मिरर वर्क का काम देख रहे हैं, ये सब भी आपने बंजारा मार्केट में ज़रूर देखा होगा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कुछ नया कलेक्शन था। सो ये आपने कई बार होम सेंटर में देखा ही होगा। इनका प्राइस भी 999 समथिंग था। साथ ही साथ ये वास मुझे काफ़ी अच्छे लगे, गोल्डन कलर में। एंड इन पे कुछ ऑफ चल रहा था, आपको मैंने दिखा दिया है। सो इनका पहले प्राइस था 5488 आई थिंक, एंड आफ्टर ऑफ अभी आपको 3500 समथिंग का मिल रहा था। सो 3500 में ये आइटम अच्छा, ये डील अच्छी है। साथ ही साथ ये प्लांटर्स काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। एंड इनकी जो फ्लावर कलेक्शन होते हैं वो तो बेस्ट होते ही होते हैं। एंड उसकी स्टिक आई थिंक 99 की थी, वन स्टिक। सो अगर आपको यहाँ के फ्लावर्स पसंद है तो उसके लिए भी आप होम सेंटर जा सकते हैं। सो या गाइज, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा आइटम पसंद आया। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, लव यू ऑल, बाय बाय।